नमस्कार, आप देख रहे हैं एनलाइटन न्यूज। मैं हूँ अमलेश बंजारी। आज हम बात करेंगे भारत में व्यापक चुनावी सुधारों को लेकर। जी हाँ, भारत में चुनावी सुधारों की दरकार क्यों जरूरी है और चुनावी सुधारों के लिए अब तक कितने राजनीतिक दलों ने प्रयास किए हैं, उनके क्या प्रयास सफल हुए हैं या उनके प्रयासों को किस हद तक कामयाबी मिली है या नहीं मिली, यह भी हम बताने का इस एपिसोड में प्रयास करेंगे। भारत में चुनावी सुधार के नज़रिए से कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले 70 सालों में यहाँ 17 लोकसभा के तो 400 से अधिक विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। संविधान निर्माताओं ने देश में एक मजबूत और स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की थी। वक्त के साथ संसद में चुनाव आयोग को और अधिक मजबूत बनाए जाने की मांग उठी, जिसके बाद चुनाव आयोग को कई अधिकार दिए गए। लेकिन भारत में आज भी व्यापक चुनावी सुधारों को लेकर ना तो निर्वाचन आयोग गंभीर है और ना ही राजनीतिक दल। यही वजह है कि चुनावी सुधारों को लेकर वोहरा कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी सहित कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा पेश किए गए चुनावी सुधार बिल और रिपोर्ट को आज तक संसद में पारित नहीं किया गया है। आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही के दिनों में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर चुनावी सुधारों के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग की है। उन्होंने इस पत्र में राजनीतिक भ्रष्टाचार को खत्म किए जाने और पब्लिक फंडिंग लाए जाने की जरूरत बतलाई। यह जरूरी भी है और ममता बनर्जी के इस कदम की सराहना भी होनी चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तो है, लेकिन लंबे समय से व्यापक चुनावी सुधारों के अभाव में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। यहाँ के नागरिक अप्रतिनिधिक हो गए हैं, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी अप्रतिनिधिक हो जाते हैं। इसके पीछे अगर बड़ा कारण कोई है तो वह भारत की अप्रतिनिधिक चुनावी व्यवस्था यानी कि FPDP वाली व्यवस्था को माना जाता है। ममता बनर्जी के इस चुनावी सुधार वाले पत्र के बाद देश में यह चर्चा जरूरी हो गई है, क्योंकि इसके पूर्व भारत में एक और राजनीतिक दल जो कि 2014 में इस पार्टी का उदय हुआ, जिसे अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं, इन्होंने अपने उदय के साथ ही चुनावी व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट विजय मानकर ने अब तक चुनावी सुधारों को लेकर करीब 11 बिल पार्लियामेंट को प्रस्तुत किए हैं। उनके बिलों की अगर महत्वपूर्ण बातें की जाए तो एक तो FPDP को बदल कर PR सिस्टम या फिर FPDP प्लस PR मिश्रित व्यवस्था, यह प्रमुख मुद्दा है उनका। इसमें मीडिया रेगुलेशन भी एक मुद्दा है, महिला रिजर्वेशन 33% हो ये एक मुद्दा है, भारत में पब्लिक फंडिंग, चुनाव लड़ने के लिए बजट से पैसा मिले उम्मीदवारों और पार्टियों को, ये एक मुद्दा है। इसके अलावा पार्टियों के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए पार्टियों पर भी सीलिंग, कैंडिडेटों पर जिस तरह से सीलिंग लगाई गई है एक लिमिटेशन के तहत वो खर्च कर सकते हैं, उसी तरह से पार्टियों पर भी एक लिमिटेशन हो चुनावी खर्च का, यह भी उनकी मांग इस बिल में है। तो ऐसे कई उन्होंने चुनावी सुधार को कुछ चुनावी सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण बातें इस अपने बिल में प्रस्तुत किए हैं, जिसके ऊपर आज तक कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। और उन्होंने इसके लिए कुछ राजनीतिक दलों को भी पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर किसी राजनीतिक दलों ने भी विशेषतः ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में माना जा सकता है कि ममता बनर्जी के द्वारा जो कदम उठाया गया हो, यह भी एक पार्ट इसी चुनावी सुधार की कड़ी का एक पार्ट हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है। हालांकि इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट क्या है और इसमें कितने तथ्य है कि ममता बनर्जी के द्वारा जो पत्र लिखा गया है उनमें क्या किस तरह के चुनाव सुधार की बात की गई है, यह देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है बंगाल की, वो आखिर किस तरह के चुनावी सुधार देश में चाहती है। तो ये प्रमुख मुद्दे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको विजय मानकर जी का एक वीडियो भी साझा करूँगा, जिस वीडियो में उन्होंने चुनावी सुधारों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण, भारत और दुनिया के कुछ ऐसे देश जो लोकतांत्रिक देश भी है और लोकतंत्र नहीं भी है, ऐसे भी देशों का उन्होंने कुछ डाटा इसमें साझा किया है। PR सिस्टम, FPDP सिस्टम के अंतर को भी उन्होंने बताया है। इसके अलावा पब्लिक फंडिंग,
या स्टेट फंडिंग के बारे में, नेशनल फंडिंग के बारे में उन्होंने एक बात की है। नेशनल एक नेशनल डिविडेंड फंड होना चाहिए। उनका मानना है कि देश में एक चुनावी व्यवस्था के लिए जो कॉरपोरेट घराने से जो पैसा जाता है वह किसी एक नेशनल फंड में जमा होना चाहिए, न कि डायरेक्ट किसी पार्टी को जाना चाहिए। बाद में बजट से इस पैसे का बंटवारा होना चाहिए, किस पार्टी को कितना जाना चाहिए उसके वोट ऑफ परसेंटेज के आधार पर। यह भी उन्होंने एक मांग का जिक्र इसमें किया है बिल में। तो ऐसे कई प्रकार के चुनावी सुधारों को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण 11 बिल पार्लियामेंट कमेटी को दिए हैं। तो इन बिलों के ऊपर डिटेल में जानने के लिए हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे विजय मानकर जी का। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि भारत में चुनावी सुधार क्यों जरूरी है। 14 अप्रैल 2017 का ये जो है पेटिशन ईवीएम पे मैंने किया, उसके बाद फिर से चुनावी व्यवस्था पर जो है ये पांच है ना, पांच मई 2017 को जो है मैंने पेटिशन किया है। ये दो चीजों पर ऑलरेडी मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसको मैंने पेटिशन किया है, और तब से मैंने लोगों को बताना चालू किया। इवन 40 पार्टीज को मैंने लिखकर भी भेजी थी ये तमाम चीजें कि, और उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि भाई ईवीएम के अंदर में जो भी सुधारना हमको करना है, या तो बैलेट से इसको लाना है या तो पेपर ट्रेल काउंटिंग को लाना है, क्योंकि पेपर ट्रेल काउंटिंग होना चाहिए 30%। ये सजेस्ट करने वाला भी देश में मैं पहला लीडर हूँ, और ऐसा मैंने पार्टीज को लिखकर भी भेजा था, और उसके बाद ही ये सब जो डेवलपमेंट हुए वो सब डेवलपमेंट हुए। बड़ी सिंपल सी बात है, दो लॉज को इसको अमेंड करना पड़ता है। दो लॉज है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। जब तक ये दो कानून को अमेंड नहीं किया जाएगा तब तक या तो आपको बैलेट से चुनाव कराना है या ईवीएम में आपको 50% या 100% पेपर ट्रेल काउंटिंग करना है। वो काउंटिंग पहले हो, बीच में हो, जो भी प्रोसीजर आपको करना है उसके लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास जाने की जरूरत नहीं। ये दो लॉज को अमेंड करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। और इस दिशा में अभी जो पार्टीज है जो इस पर प्रयास कर रही है वो उस पर अगर कुछ प्रयास करेंगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनको कोई बिल विल बनाने की जरूरत पड़ती है तो मैं जरूर उनको ड्राफ्ट करके दे सकता हूँ, आई एम वाइडली ओपन फॉर दिस। और मेरे 11 बिल्स ऑलरेडी पार्लियामेंट में, उसमें तो मैंने 100% पेपर ट्रेल काउंटिंग की बात की थी और ऑलरेडी वो मेरे बिल में प्रोविजन है। अगर उसको कोई भी पार्टी जिसका एमपी जीत कर आया अगर वो टेबल करना चाहता है तो मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा, उसमें डेट चेंज कर दूंगा, बिल के नंबर्स चेंज करने पड़ेंगे और वो करके मैं उनको दे दूंगा। इट कैन बी टेबल्ड एज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल। जो अपोजिशन पार्टीज के जितने भी एमपी है वो अगर उसको टेबल करता है कोई भी एक एमपी, और उस पर जो है फिर बाद में जो भी प्रोसीजर है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में स्क्रूटनी होती है, वेटिंग ऑफ लॉ होता है, उसके बाद जब वो वोटिंग को आएगा, जब उसके ऊपर वोटिंग होती है तो मैं समझता हूँ अभी भी देश में काफ़ी जो है वो सुधार आने की उम्मीद है। लेकिन ईवीएम केवल एक इश्यू है, ईवीएम के साथ हमको पूरी चुनावी व्यवस्था को बदलने के विषय में सोचना चाहिए भारत में। देखिए अभी भी आज भी ईवीएम की जो फेयर प्रोसीजर नहीं थी, जो पूरे देश ने देखा, पूरे देश को इस पर डाउट है, उसके बावजूद अगर पीआर सिस्टम होता, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता, यानी जिस पार्टी को जितना प्रतिशत मत है उसके उतने एमपी या एमएलए आना चाहिए, तो मैं आपको यूपीए एनडीए एंड बाकी पार्टीज का परसेंटेज बता देता हूं। एनडीए को मिला 45% वोट, यूपीए को मिला है 30% वोट, बाकी पार्टीज को मिला है 25% वोट। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं तो 245 सीट्स एनडीए को मिलती है, 163 सीट्स यूपीए को मिलती है, 135 सीट्स मिलती है अदर पार्टीज को, यानी 105 सीट बोनस में एनडीए को ज्यादा मिल गई जो 350 क्रॉस की, यूपीए की 73 सीट्स कम मिली और 28 सीट्स लगभग जो है अदर पार्टीज को कम मिली। तो मैं समझता हूं कि ये अनफेयर सिस्टम है, जो एफपीटीपी है वो कम वोटों में जो है वो लोगों को चुन कर जो है वो भेजता है। अभी मैं कुछ सीटों का डेटा देख रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइंस, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी अमेठी में, उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ऐसी कई सीटें हैं कि 5-5, 5.5 लाख, 6 लाख वोट लेने के बावजूद 1 लाख वोट, 50,000, 30,000 वोट कम मिल गया, उनको घर बैठना पड़ रहा है और पहला व्यक्ति पार्लियामेंट जा रहा है। तो वो 6 लाख वोटर जो अप्रातिनिधिक हो गए, जिन्होंने इन लोगों को वोट किया, ऐसे कई लोग है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उनका क्या दोष है? वो चाहते थे कि वो इनका एमपी हो और उससे 30,000, 50,000 लोग चाहते थे कि वो उनका एमपी हो। तो भारत के अंदर में ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम विद सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड सिंगल विक्ट्री वोट, ये जो कहा जाता है, ये दुनिया में कितने कंट्रीज में है, कितने कंट्रीज में ये है? अगर मैं इसका आपको रीड करके बताना चाहूं
तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मुझे स्पेक्ट्स वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, तो आप लोग बियर करेंगे। लेकिन मैं इसको जो है आज आप लोगों को पढ़ के बताना चाहूंगा कि दुनिया में इंडिया का जो सिस्टम है, और कंट्रीज का नाम ध्यान से सुनिएगा, कि इंडिया में जो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, यानी एक पार्लियामेंट में एक एमपी, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिंगल विक्ट्री वोट, यानी एक वोट भी ज्यादा मिल जाए तो वो पार्लियामेंट जाएगा, दूसरा घर में बैठेगा। वो देखिए, बहामास, बांग्लादेश, बोस्तवाना, जमैका, कजाकिस्तान, मालावी, मलेशिया, पलाऊ, पैलेस्टाइन, सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनेडीज, ट्रिनिडेड एंड टबागो, यूएसए। यूएसए में इसलिए नॉन रिप्रेजेंटेटिव मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट आती है, हिलेरी को ज्यादा वोट मिलने के बावजूद इलेक्टोरल कॉलेज इस तरह बनाए कि ट्रम्प जीते हैं। और यूके, जो पुराना ब्रिटिश सिस्टम है, लेकिन स्कॉटलैंड में ये सिस्टम को चेंज किया गया है। आपको एक डेटा बताना चाहूंगा, दुनिया में केवल ये 12 कंट्रीज ऐसी है जो भारत की तरह एफपीटीपी को यूज कर रही है। दुनिया में 102 कंट्रीज ऐसी है जो पीआर सिस्टम या मिक्स सिस्टम को यूज करती है, यानी 102 कंट्रीज दुनिया में ऐसी है जो एफपीटीपी को यूज नहीं करती, और ये बहुत एडवांस कंट्रीज है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका जो है आपको नाम भी पढ़कर बता सकता हूं, बड़े इंटरेस्टिंग है कि ये कंट्रीज कौन सी कंट्रीज है जिनके अंदर में मिक्स सिस्टम या पीआर सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है। इनको मुझे लगता है कि आपको समझने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ूंगा, कटिंग अक्रॉस, आप देखेंगे कि दुनिया की बहुत अच्छी कंट्रीज ये जो है पीआर सिस्टम और मिक्स सिस्टम से चुनाव कराती है। ये इस तरह का जो नॉन रिप्रेजेंटेटिव अप्रातिनिधिक जो चुनावी व्यवस्था है, जो एक वोट से जिता देता है, बाकी को घर में बैठाता है, और लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसे सिस्टम से चुनाव नहीं होता है दुनिया में। मैं कंट्रीज का नाम पढ़ूंगा, 102 कंट्रीज का, इंटरेस्टिंग है, अल्बेनिया, अल्जेरिया, एंडोरा, एंगोला, अर्जेंटीना, अर्मेनिया, अरूबा, अजरबैजान, बेल्जियम, बेनिन, बोलीविया, बोस्निया हर्जेगोविनिया, ब्राजील, बल्गेरिया, बुर्निका फासो, बुरुंडी, कंबोडिया, खेमेरून, केपवर्डी, चाड, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, साइप्रस, साइप्रस नॉर्थ, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, डोमिनिकल रिपब्लिक, इक्वाडोर, एल साल्वाडोर, इक्वेटोरियल गुनिया, एस्टोनिया, निकारागुआ, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स, एंटिलीज, नीदरलैंड्स, नमीबिया, मोजम्बिक, मोराक्को, मोनाको, मोल्डेविया, मैक्सिको, मेडागास्कर, मैसिडोनिया, लग्जमबर्ग, लिथुनिया, लाइचस्टिन, लेसेटो, लेटविया, कोरिया साउथ, कजाकिस्तान, जापान, इटली, इराक, इंडोनेशिया, आइसलैंड, हंगरी, हॉन्डुरस, गयाना, गुयाना बासिको, गुयाना कोनाकारी, ग्वाटिमाला, ग्रीस, जर्मनी, जॉर्जिया, फिनलैंड, नाइजर, नॉर्वे, पाकिस्तान, पनामा, पैराग्वे, पेरू, फिलीपींस, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमेनिया, रशियन फेडरेशन, रवांडा, सैन मैरिनो, सैन टोर्नियन प्रिंसिपी, सेनेगल, शाइशल्स, ना सीरिया लियोन, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका, सुरीनाम, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ताइवान, तजिकिस्तान, थाईलैंड, तिमोर लेसिटी, ट्यूनिशिया, तुर्की, यूक्रेन, उरुग्वे, वेनेजुएला। कटिंग अक्रॉस यूरोप, कटिंग अक्रॉस अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका एंड एशिया एंड ओशेनिया, दुनिया की 102 कंट्रीज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को जो है वो यूज करती है। और भारत के अंदर में हम लोग जो है ये ओल्ड ब्रिटिश मॉडल, जो सबसे खराब माना जाता है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, जिसमें माइनॉरिटी वोट वाले को इतनी ज्यादा सीट्स मिलती है, 105 सीट बोनस में मिल गई, और 105 सीट अगर आप बोनस में दे दोगे तो फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ताना प्रधानमंत्री नहीं रह जाएंगे, वो तानाशाह बनते हैं। तो ये इलेक्टोरल सिस्टम को आपको चेंज करने की जरूरत है। दूसरी महत्वपूर्ण एक फैक्ट मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं, क्योंकि इलेक्टोरल सिस्टम पे सबसे ज्यादा दुनिया में मैंने रिसर्च किया और इस पर मैं बोलते आया हूं, तो इस पर मैं बोलना चाहूंगा। आज मैं समझता हूं कि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आप लोगों के लिए, इसी के लिए मैं आया हूं। 134 कंट्रीज ऐसी है दुनिया में जिनमें देश में चुनाव लड़ने के लिए डायरेक्ट पब्लिक फंडिंग है। 134 कंट्रीज, दुनिया की 67% कंट्रीज है जहां बजट से या नेशनल इलेक्टोरल फंड से चुनाव लड़ने के लिए डायरेक्ट पार्टीज और कैंडिडेट्स को पैसा मिलता है, और 29% कंट्रीज ऐसी है, 36 कंट्रीज ऐसी है जो पार्टियों पर, केवल कैंडिडेट पर नहीं, पार्टियों पर सीलिंग लगाती है कि प्राइवेट कंपनीज उनको डोनेशन नहीं देना चाहिए और उनका एक्सपेंडिचर एक लिमिट के अंदर होना चाहिए। भारत के अंदर में
50,000 करोड़ खर्चा हुआ ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें बीजेपी ने कितना ऑफिशियली अनऑफिशियली खर्चा किया ये एक मैटर ऑफ गेसवर्क है। हो सकता है जो जो वेरियस एजेंसीज है जो अभी इसका सर्वे करती है वो अपना आंकड़ा देगी, लेकिन मेरा अनुमान है फिर भी 20-30 हज़ार करोड़ जो है अकेले जो है वो बीजेपी ने खर्चा किया होगा। तो अमीर और गरीब के बीच में चुनाव डेमोक्रेसी में समानता से कैसे हो सकता है? जब तक आप पार्टीज पर सीलिंग नहीं लगाओगे, जब तक पीआर सिस्टम नहीं लाओगे आपके देश में। एक और आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण मैं आपको आज बताना जरूरी समझता हूँ, वो आंकड़ा है कि हमारे देश में 23.5 लाख पर एमपी है, तो दुनिया में कौन कौन से क्या रेशियो है? दुनिया का कुछ रेशियो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्या रेशियो है एमपी का रेशियो दुनिया में, दुनिया के कुछ कंट्रीज का मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या रेशियो है। अल्जेरिया 1,05,000, अंगोला 1,20,000, अर्जेंटीना 1,72,000, ब्राजील 4,11,000, क्यूबा 18,555, फ्रांस 1,12,000, जर्मनी 1,34,000, ग्रीस 36,000, इंडोनेशिया 4,79,000, इटली 94,000, 95,000 लगभग, जापान 2,62,000, कोरिया 74,000, मैक्सिको 2,60,000, मोरक्को 1,08,000, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश 5,75,000, फिलीपींस 3,98,000, पोलैंड 83,000, रशियन फेडरेशन 3 लाख, साउथ अफ्रीका 1,38,000, स्पेन 1,31,000, श्रीलंका 92,000 रफली 93,000, स्वीडन 28,000, ताइवान 1,04,000, थाईलैंड 1,36,000, टर्की 1,46,000, यूके 99,000, यूक्रेन 99,000 लगभग, यूएसए 7,50,000 यानी 7,500,000, वियतनाम 1,91,000, चाइना नॉन रिप्रेजेंटेटिव कंट्री 4 लाख पर एक प्रतिनिधि है, भारत में 23.5 लाख के ऊपर एक प्रतिनिधि है। किस तरह की ये चुनावी व्यवस्था है जो माइनॉरिटी वोट को मेजॉरिटी गवर्नमेंट देती है और उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाती, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाती, वो तानाशाह जो है उसको जन्म देती है। जब तक भारत में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम होगा। ये ईवीएम एक पार्ट है उसका, ऑफकोर्स उसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, वो मिक्स्ड सिस्टम लाना पड़ेगा पीआर सिस्टम और एफपीटीपी का, पार्टियों के ऊपर सीलिंग लगाना पड़ेगा, चुनाव लड़ने के लिए डायरेक्ट पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो पार्टीज और कैंडिडेट्स को मिलना चाहिए, 500 रुपए के ऊपर जो खर्चा होता है वो चेक से लिया जाना चाहिए, एमपी एमएलए की संख्या 3 गुना बढ़ाने की जरूरत है, 2034 तक उस पर सीलिंग लगा हुआ है, और इसके साथ मीडिया रेगुलेशन का लॉ बनाना पड़ेगा और प्रॉपर वे में डिलिमिटेशन करना होगा। जब तक ये कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होते, जिसके तरफ खुद कांग्रेस ने जो है सबसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बीएसपी ने ध्यान नहीं दिया, कम्युनिस्टों ने ध्यान नहीं दिया, जो बाकी पार्टीज थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और उसी का खामियाजा आज कांग्रेस भी भुगत रही है और बाकी पार्टीज भी भुगत रही है। तो ये चुनावी व्यवस्था को बदलना जरूरी है, उसके लिए ऑलरेडी 11 बिल्स मैंने दिए, वो पार्लियामेंट में है। कोई भी एमपी, आज भी मैं अपील कर रहा हूँ, ओपन अपील कर रहा हूँ, अभी हम भी इसको देखेंगे, मैं स्वयं भी प्रयास करूंगा, कोई ना कोई एमपी इसके लिए एग्री होगा, अगर वो एग्री होते हैं तो मैं बिल अपना नाम चेंज करके, डेट चेंज करके, बिल नंबर वगैरह प्रॉपर करके मैं उनको दे दूंगा, वो 2-4 दिन का भी काम नहीं है। आप लोग भी देखिए, अगर कोई एमपी एग्री होता है बिल टेबल करने के लिए तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए और वो एमपी के माध्यम से हम बिल को टेप मूव कर सकते हैं। तो अभी आपने सुना विजय मानकर जी को, जो कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल लीडर है, चुनावी सुधारों को लेकर वो काफ़ी जानकारी रखते हैं, दुनिया के कई देशों की चुनावी व्यवस्था का उन्होंने अध्ययन किया है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी उन्होंने कई पत्र लिखे हैं और कुछ आरटीआई के माध्यम से भी जरूरी जानकारी भी उन्होंने ली है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर वो अपनी बात कहते हैं। तो अभी आपने सुना भारत में किस तरह के चुनावी सुधार की ज़रूरत है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके ऊपर में अब देश में बहस होनी चाहिए, क्योंकि जब तक देश में चुनावी सुधारों को लेकर व्यापक बहस नहीं होगी या राजनीतिक दल अपना नज़रिया पेश नहीं करेंगे, तब तक इस देश का जो लोकतंत्र है वह सही नहीं होगा और ना ही प्रातिनिधिक हो पाएगा। अगर इस
अप्रातिनिधिक व्यवस्था को बदलकर प्रातिनिधिक व्यवस्था को लाना है। तो इस देश में वाकई में विजय मानकर जी के अनुसार जो चुनावी सुधारों की बात की जा रही है, इन चुनावी सुधारों को लेकर बड़े लेवल पर देश के नागरिकों को भी, पढ़े लिखे लोगों को भी और राजनीतिक दलों को भी काम करने की ज़रूरत है और इस पर बहस करने की ज़रूरत है। तभी जाके देश में लोकतंत्र सफल होगा और लोकतंत्र मजबूत होगा और इस देश में नागरिकों के साथ में जिस तरह से धोखा हो रहा है चुनाव के दौरान, या जिस तरह से काले धन का इस्तेमाल चुनाव में हो रहा है, या बांड के तौर पर जो अभी नई व्यवस्था लाई गई है उसमें जिस तरह की व्यवस्था को लाया जा रहा है, तो ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए यह एक बड़ा व्यापक मुद्दा बन सकता है इस देश में। क्योंकि जब तक देश में चुनाव सुधार नहीं होंगे, इस देश के लोकतंत्र को आप मजबूत नहीं बना सकते हैं। धन्यवाद। एनलाइटन न्यूज़ के लिए मैं यमलेश बंजारी।